Welcome to my channel Math in Medicine. In this video, I will cover all the topics of chapter number 14, class 8 math, that is factorization. सबसे पहले हम देखेंगे कि factors क्या होते हैं, किसके factors होते हैं और factorization और उसके 4 methods जो होते हैं और उसके बाद हम देखेंगे division. ये chapter छोटा सा है और बहुत ही easy है और बहुत ही useful topic है. इसके simplification के questions आगे आपको future में हमेशा देखने को मिलेंगे, जिसमें आप कोई भी subject आगे चल के लें, चाहे आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट लें, आपको इसके क्वेश्चंस आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेंगे. सो आप अपना पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें तो आज की वीडियो के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है फैक्टर्स क्या होते हैं. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे नंबर है 12 के मैं बोलूँ फैक्टर्स निकाले तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3. मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. मीन्स फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर को हमको ऐसे उसको ब्रेक करना है कि उस नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, 12 हो जाए. तो हमने किसने ब्रेक किया, 2 और 3 ने ब्रेक किया. ऐसे ही हम एक्स स्क्वायर को भी ब्रेक कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स. ये क्या हो गया हमारा, एक हमने एक वेरिएबल को क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा. तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसके फैक्टर्स हैं एक्स और एक्स इसके क्या है, फैक्टर्स हैं. इसी तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो सकते हैं. जैसे हम एक लेते हैं मोनोमियल, ये है हमारा एक मोनोमियल एक्सप्रेशन जो कि हम पहले के एक्सप्रेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9, उसमें हम पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है. तो इसके फैक्टर्स क्या है, 5x और y. मींस इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा. मींस जो भी हमारा ये टर्म्स होते हैं उसको हमको क्या करना है, आपस में ब्रेक करना है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स. और जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन. तो अब हमको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, ये है हमारा एक मोनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हमने क्या लिख दिया, 5x into y. मीन्स 5x और y का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया हमारा, फैक्टराइजेशन हो गया. और 5x और y इसके फैक्टर्स हो गए. अब मैंने लिख दिया 2x और x प्लस 3, ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं 2x और x प्लस 3, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है. अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के मेथड क्या होते हैं. हमें समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं. अब हमको देखना है कि किसी एक्सप्रेशन अगर हमको गिवन हो तो हम उसके फैक्टर्स किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है. जैसे हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है 2x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है, दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन. क्यों, क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं. अब इस एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टर्स निकालने हैं इसके. तो क्या दिख रहा है इसमें, इन दोनों टर्म्स में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 2x है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को, 6 के फैक्टर क्या क्या है, 2 into 3, ठीक है. तो इसमें मीन्स हमें दिख रहा है कि हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो हमने क्या लिख दिया, 2 कॉमन निकाला और x प्लस 3 निकाला, 3 लिख दिया. तो हमने क्या कर रहे हैं इसमें, हम कॉमन निकाल रहे हैं, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 2 कॉमन निकाल रहे हैं. तो अगर हम कोई नंबर या फिर एक वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है, कोई नंबर कॉमन हो सकता है या फिर हम देखते हैं कॉमन क्या हो सकता है, हमारा वेरिएबल भी कॉमन हो सकता है. जैसे हमने लिख दिया ये, अब इसमें क्या कॉमन हो गया, इसमें कॉमन हो गया हमारा एक्स, तो हम लिख देंगे 2 plus 3x. तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया. अब इसमें क्या कॉमन निकला, वेरिएबल कॉमन निकला. मतलब कि पूरे टर्म्स में हमको ये देखना है कि कोई नंबर वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड. यदि हम किसी एक्सप्रेशन के पूरे एक्सप्रेशन के हर टर्म में से कोई नंबर या फिर कोई वेरिएबल या नंबर ऑफ वेरिएबल कॉमन निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है. नेक्स्ट हमारा ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर मेथड. क्यों, क्योंकि हमने उसके फैक्टर्स इस टर्म्स के और इस टर्म के फैक्टर को कॉमन निकाला तो वो हो गया कॉमन फैक्टर मेथड. अब नेक्स्ट है हमारा रीग्रुपिंग टर्म्स.
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा डीग्रुपिंग मेथड। अब इस मेथड के हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं और कब हम ग्रुपिंग करते हैं। अब हमको ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, हमको एक्सप्रेशन को देख के सबसे पहले ये देखना है कि क्या इन पूरे एक्सप्रेशन में कोई कॉमन टर्म है। मीन्स यदि हम देखते हैं, चलो एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें है, पर इसमें एक्स नहीं है, मीन्स हम एक्स तो कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इसमें तो सिर्फ एक्स ही और एक्स तो हम कॉमन ले नहीं सकते, पर अब हम ऐसा इसको ग्रुप बना देंगे जिससे कि हम कॉमन ले सके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में एक्स है, इन दोनों टर्म्स में एट है, दोनों टर्म्स में एट दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। पर अभी क्या है, बीच में प्लस है, हमको कब तक सिंप्लीफाई करना है, जब तक कि वो दो प्रोडक्ट आ जाए, ऐसे कॉमन फैक्टर निकल जाए कि उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमारा एक्सप्रेशन बन जाए, ठीक है। तो अभी हमने ग्रुपिंग की है इन दोनों की, तो हम इस ग्रुप में से क्या कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकाला, और फिर हमारा क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। अब इसमें से हमने कॉमन निकाला एट, तो ये भी बच गया एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में टू टर्म्स है, एक टर्म्स ये है, एक टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म्स में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया और x प्लस एट। अब ये जो हमारा है, ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। कैसे पता चला हमको, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्लस साइन हमारा अलग से हो। अब यहाँ पे ऐसा प्लस हो जाता तो ये पूरा फैक्टराइज हो चुका होता क्या, नहीं होता। हमें ऐसा इसको ब्रेक करना है या इस फॉर्म में इसको लिखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक्सप्रेशन आ जाए। चूंकि आपने इसमें क्या किया है, ग्रुप बनाया है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, रीग्रुपिंग मेथड है। एक ही एक्सप्रेशन, एक ही क्वेश्चन में हम दो चीजें भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बाद पहले तो हमने ग्रुप किया, अब इस ग्रुप में हम क्या ले रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स ही तो ले रहे हैं। अब इसमें इसके फैक्टर्स क्या है, x और x प्लस वाई, एट और एट प्लस वाई। अब एट प्लस वाई जो दोनों का फैक्टर है उसको हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई जो दोनों का फैक्टर उसको हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस वाई इधर हो गया और एक्स प्लस एट, ठीक है। तो ये होता है, इसमें हमने दोनों मेथड यूज कर लिया है, कौन सा, रीग्रुपिंग भी और कॉमन फैक्टर भी, ठीक है। इस तरीके से हम रीग्रुपिंग सॉल्व करते हैं। अब ये वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे टर्म्स में हम ना सिर्फ x नहीं ले सकते क्योंकि इधर x नहीं है, ठीक है, इसमें हम y कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है। अब हमको ऐसा टर्म खोजना है जिससे हमको कॉमन निकल जाए। तो यदि हम ये दोनों लेते हैं तो हमको दिख रहा है क्या कि कॉमन तो x निकल जाएगा, इसमें क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, इन दोनों का ग्रुप कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक्स कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, 15 के भी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 × 5 करने से 15 आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 5y माइनस 2, 3 × 2 = 6, 2 हो गया, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3, तो इस तरीके से हो गया। अब इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया तो ये हो गया हमारा ग्रुप। अब इन दोनों का ग्रुप बन गया। अब इन दोनों में क्या हो गया, ये 1 × 2 है ना, 1 मल्टीप्लाई में रहता है, अगर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 मल्टीप्लाई में रहता है। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 5y - 2, ये हमारा भी कौन सा मेथड लग रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेथड लग रहा है। इस पॉइंट पे हमारा क्या लग रहा था, ग्रुपिंग मेथड लग रहा था, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर मेथड लग गया, ठीक है। अब 3x + 1, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये दो मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मेथड है हमारा आइडेंटिटीज, तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हमें अच्छे से पता है कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, वी विल वेरी वेल नो अबाउट द आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab + b² और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम निकालते हैं सभी में। तो इसमें देखो डायरेक्ट दो का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब इस फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन होगा क्योंकि हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, फैक्टराइजेशन करना है मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। तो ये क्या है, ए माइनस बी
इंटू ए माइनस बी है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा आंसर, इस फॉर्म में आएगा, इसमें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा आएगा। इस फॉर्म में अगर क्या होगा, एक्सप्रेशन में गिवन होगा तो इस फॉर्म में आएगा, पर इसमें क्या होगा हमारा, इस फॉर्म में आएगा। क्यों हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस 16। अब पहले हमको, हम ये तो एग्जाम में दिया नहीं रहेगा कि हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन को देखिए और ये सोचिए क्या कोई कॉमन फैक्टर है। अब इसमें तो ए और ए कॉमन फैक्टर है, पर उसके बाद तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये तो 16 अलग हो जाएगा, पर बीच में प्लस का साइन रह जाएगा। हमें तो प्रोडक्ट बनाना है, तो कॉमन फैक्टर तो नहीं लग रहा क्योंकि तीनों में तो ए कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग मेथड, तो क्या ग्रुप बन रहा है, ग्रुप भी नहीं बन रहा है। कैसे ग्रुप बनेगा, अगर ए हम कॉमन ले लें तो ए प्लस एट फिर इधर फिर 16 बच जाएगा, तो ना इसमें ग्रुप बन रहा है ना इसमें कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो क्या मेथड लग सकता है। हम सोचेंगे कि ये आइडेंटिटी मेथड लग सकता है, तो आइडेंटिटी मेथड चेक करते हैं हम। हम क्या करेंगे, पहली आइडेंटिटी हमको पता है दोनों प्लस साइन है, मतलब पहली आइडेंटिटी लग सकती है ना, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस टू ले लिया, तो टू ले लिया तो टू इंटू फोर इंटू ए, ठीक है, और बी स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, ये पहली वाली आइडेंटिटी लग रही, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 और ए प्लस 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होंगे, ए प्लस 4 ए प्लस 4। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखते हैं हम 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखो कि क्या कोई कॉमन फैक्टर है, इसमें बी निकल रहा है तो सी के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही बच जा रहा है हमारे पास, तीनों में कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो कॉमन तो मेथड नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है ग्रुपिंग मेथड, तो क्या इसमें ग्रुप बन रहा है, इसमें 11 कॉमन तो दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है, बी भी कॉमन दिख रहा है, पर एक टर्म हमारा क्या छूट जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, हमारा ग्रुपिंग मेथड भी नहीं लग रहा है। तो अब इसमें क्या लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो ये देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ये स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या ये टू ए बी बन सकता है, हम ट्राई करते हैं। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो हमने लिख लिया 11 बी स्क्वायर माइनस 2, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 बी और सी, है ना, मीन्स 2 ए बी। अभी अभी हम इसे ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, 2 ए बी। अब ये क्या है हमारा, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, 4 का, तो 4 सी होल स्क्वायर। अब 2 ए बी करेंगे तो कितना आएगा, 2 और ये है हमारा ए, 11 बी और 4 सी, तो क्या हमारा आ रहा है 44, ये हो रहा है 44 बी सी, है ना, तो 2 ए बी का फॉर्म ये हो गया। हमारी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ए इक्वल्स टू 11 बी और बी इक्वल्स टू 4 सी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो क्या आ जाएगा हमारा, 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को सॉल्व करना पड़ा क्या, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो 11 बी माइनस 4 सी, 11 बी माइनस 4 सी, ये हमारे दो का प्रोडक्ट आ गया, मीन्स इसके फैक्टर्स क्या हुए, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए 11 बी माइनस 4 सी, 11 बी माइनस 4 सी, अब इनमें से कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। अब इसमें से तो कोई भी टर्म ना कॉमन है, ठीक है, ना फिर कोई रीग्रुपिंग करने का दिख रहा है हमें, कोई ग्रुप बनाने के लिए कोई टर्म्स ही नहीं है, ठीक है, पर इसके बीच में माइनस है, तो और वो भी स्क्वायर है और माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पी का होल स्क्वायर माइनस 3 क्यू का होल स्क्वायर। अब ये कोई हमारी आइडेंटिटी दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पी प्लस 3 क्यू, 2 पी माइनस 3 क्यू,
ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज करके एक्सप्रेशन देखते हैं, पर हमें एक्सप्रेशन देख के ये खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर तो अगर कॉमन रहेगा तो कॉमन फैक्टर मेथड लग जाएगा। जनरली फोर जो दिए रहते हैं उसमें फोर टर्म्स कर दो तो फिर वो उसमें क्या लगते हैं, रिपीटिंग ग्रुपिंग मेथड लगता है। ठीक है, री ग्रुपिंग मेथड लगता है, और अगर वो नहीं लगा तो हम आइडेंटिटी मेथड चेक करेंगे। एक और हमारा मेथड होता है जिसमें एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में होता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, तो हम इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है x प्लस ए और x प्लस बी टर्म्स को हमको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर कोई है क्या, उसके बाद हम देखते हैं कि रीग्रुपिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब ग्रुप बन रहे हैं कि नहीं, अगर टर्म्स में ग्रुप बन रहा है तो हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर ग्रुप भी नहीं बन रहा है तो फिर हम चेक करते हैं कि कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, और अगर आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है तो फिर हम चेक करते हैं। जैसे अब ये सपोज एग्जांपल है, इसमें हमारा कोई कॉमन फैक्टर है क्या, तीनों में एक्स नहीं है, तीनों में सिक्स नहीं है, तीनों में फाइव नहीं है, तो इसमें कॉमन मेथड तो नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुपिंग मेथड, तो अगर हम ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो ये वाला हमारा जो सिक्स है वो छूट जाएगा, तो ग्रुप भी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हमारा मेथड है आइडेंटिटी मेथड ना, तो आइडेंटिटी में ये देखो ये एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, पर सिक्स तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर वाला क्या होता है, स्क्वायर टर्म्स कैसे होता है, या तो स्क्वायर में वन हो सकता है, क्योंकि वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन हो सकता है, फोर हो सकता है, ठीक है, नाइन हो सकता है, 16 हो सकता है, इस तरीके से हमारे जो स्क्वायर वाले हैं वो होते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब किसी का स्क्वायर होना चाहिए, इसके लिए हमको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, है ना, किसी का स्क्वायर तो नहीं है। 8 स्क्वायर क्या हो सकता है, 64, मीन्स ये सारे नंबर्स रहेंगे तब तो ठीक है कि हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला चेक करेंगे, आइडेंटिटी मेथड चेक करेंगे, पर यदि वो नहीं है, मीन्स अब हमारा 6 है, 6 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या हो सकता है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम ऐसा करते हैं कि इसे 5x को 2x लिख देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं 3x लिख देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। ठीक है, अब 5x तो है, मतलब 2x और 3x करने से 5x तो आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हमने 5x को इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको दिख रहा है कि आप कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो इस 6 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और इधर x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप x प्लस 2 x प्लस 3। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने क्या किया, ये मिड टर्म वाला है, ये जो मिड टर्म है इसका जो कोफिशियंट है, मीन्स जो 5 है, उसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 6 हो जाए, मीन्स 5 को हमने 2 और 3 में ब्रेक किया है, इसको क्या करना है, हमको 2 प्लस 3 करना है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से ये वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये वाला हमारा किस फॉर्म में आ गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म में आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन टर्म हम निकाल सकें, मतलब ग्रुपिंग कर सकें, तो हम क्या कर सकते हैं, सो कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि ये किसमें किसमें ब्रेक हो सकता है 21। ठीक है, तो 3 7 20 मीन 7 और 3 में, तो क्या 7 प्लस 3 और माइनस 3 या माइनस 3 माइनस 7 करने से क्या आ रहा है हमारा, माइनस 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस 10 आ सकता है, हमको क्या करना है, माइनस 10 ही तो करना है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक कर दिया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q। ठीक है, इसको प्लस माइनस करने से क्या आ रहा है, माइनस 10q आ रहा है, प्लस 21 अब कॉमन आ रहा है, इनमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रुप कर लिया, क्या हो गया, ये क्यू माइनस 3 और ये हो गया माइनस 7q माइनस 3, तो अब हमारा क्या हो गया आंसर, हमारा आंसर हो गया क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7। ठीक है, अब ये कौन सा मेथड, ये मेथड हो गया, इसमें ये समझ लीजिए आप कि ए की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 3 और बी की वैल्यू क्या है
माइनस सेवन। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिवीजन कैसे करना है हमको, सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन क्या देखना है, पहले मोनोमियल का मोनोमियल से करते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है, मीन्स कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, वो सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन होता है। तो सिंगल टर्म को हम बोलते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन करना है तो हम कैसे करेंगे, 28 एक्स पावर 4 और 56 एक्स, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम डिवाइड करते हैं और वेरिएबल का होता है तो क्या होता है, जो हमारा पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होता है, आपस में सब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम कैसे करेंगे, ये 28 अपॉन 56 और x की पावर 4 माइनस 1, 28 वन्स आर 28 टूज आर, तो x पावर 3 अपॉन 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये भी मोनोमियल है, मोनोमियल टू मोनोमियल, ठीक है। तो हमारा क्या है, 34 हम नंबर से नंबर को कर देंगे अपॉन 51, ठीक है। फिर x की पावर से x की पावर को, तो 3 यहाँ पावर है माइनस 1, y माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और z की पावर है 3 माइनस 3, ठीक है। 17 से जा रहा है, 17 टू जा 34 और 17 थ्री जा 51, तो 2 x की पावर 2, y की पावर 1 हो गई और z की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 रहती है तो z की पावर 0 इक्वल्स टू 1, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, अपॉन 3 है, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल बायोमोनोमियल, कोई टर्म्स पॉलिनोमियल का होता है बायोमोनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल मीन्स इज एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, 1 से ज्यादा टर्म हो, तो इसमें 2 टर्म्स है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल बायोमोनोमियल। तो हम एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है, मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो पी क्यूब क्यू 6 पी क्यूब क्यू क्यू, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे इसको, ऐसे हम ब्रेक करते हैं कि दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे। अब हमें पता है क्या, कि जब भी हम किसी वेरिएबल का वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तो क्या होती है, पावर माइनस होती है, तो 3 माइनस 3 हो गया और q की पावर 6 माइनस 3 हो गया, ये वाला क्या हो गया, p 6 माइनस p की पावर 3 था और q 3 माइनस 3 हो गया, हमने क्या किया, सिंपल पावर को माइनस किया, तो ये हो गया p की पावर 0, ये q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 और q पावर क्योंकि एक्सपोनेंट 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्यू क्यू माइनस पी क्यू, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको पता है 5x स्क्वायर अपॉन 3x करेंगे माइनस 6x अपॉन 3x करेंगे। अब नंबर तो सिंपली डिवाइड होता है तो हमने इसे लिख दिया 5/3। अब ये x की पावर माइनस हो जाएगी तो 2 माइनस 1, 3 टू जा 6, तो ये हो गया 2 और x की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 5x अपॉन 3 माइनस 2, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 5x माइनस 6 अपॉन 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल को सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज
डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बाय अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। कैसे पता कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है? इसमें क्या है, सिंगल टर्म से ज्यादा टर्म्स है, बीच में माइनस माइनस लगा हुआ है, ये भी इसमें भी माइनस है, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे कि इसमें से कोई कॉमन फैक्टर है क्या। सबसे पहले हम किसी भी एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है क्या, है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, और वो भी एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, टू निकल गया है, तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स, और ये हो जाएगा एक एक्स निकल गया, दो एक्स निकल गए तो वन एक्स बचा। अब इसमें से तो दोनों निकल गए तो ये हो गया हमारा 24। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 11x x माइनस 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 44x स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, इसमें कौन सा मेथड लग रहा है। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कोई ग्रुप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, आइडेंटिटी भी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सोचना है। तो 24 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे तो क्या मिड टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो 24 को हमको टू सिक्स जा, टू थ्री जा, अब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से क्या आए, फाइव आए। 24 को हमको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में ब्रेक करना है जिससे हमारा प्लस माइनस करने से फाइव आए। तो टू टू जा फोर और थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और फोर प्रोडक्ट करने से तो 24 आएगा, पर प्लस माइनस करने से फाइव नहीं मिलेगा। टू टू जा फोर एट, ठीक है, फोर टू जा एट, तो 8 और 3, 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 5, मतलब 8 और 3 करने से क्या हो रहा है, 5 तो आ रहा है, पर हमको क्या चाहिए, माइनस 5 चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, माइनस 8 प्लस 3। अब हम माइनस 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 5 आएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 और ये 11x x माइनस 8, 44x स्क्वायर जो कि हमने कॉमन लिया था। अब ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x कॉमन लेंगे हम इन दोनों टर्म्स में, तो x माइनस 8 और ये 3x माइनस 8, अब ये वैसा ही है। ठीक, नेक्स्ट है हम क्या कर सकते हैं, 44x स्क्वायर, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8 और x प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड 11x x माइनस 8। अब x माइनस 8, x माइनस 8 दोनों सेम है, x की पावर क्या होती है, माइनस होती है, 11 फोर जा 44, तो हमारा कितना हो गया, 4x की पावर 2 माइनस 1, ये वाला x को हम क्या कर रहे हैं, माइनस, और ये हो गया x प्लस 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4x x प्लस 3, दैट इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है वो चलता है, सबसे पहले हमको कॉमन फैक्टर चेक करना है, फिर ग्रुपिंग मेथड चेक करना है, आइडेंटिटी चेक करना है, वो सब में से कुछ नहीं हो रहा है तो हमको मिड टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, फिर हमारा डिवीजन हो जाता है। और डिवीजन क्या होता है, पूरे से होता है, सिंगल टर्म में कभी भी हम डिवाइड नहीं करेंगे, पूरे को पूरे से डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा है 12xy 9x स्क्वायर, ऐसे ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये 12xy तो लिखा है, अब ये क्या है 9x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये किसी में ब्रेक हो रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। ठीक है, सेकेंड है कोई ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिटी मेथड, तो क्या आइडेंटिटी मेथड लग रहा है, दोनों में स्क्वायर है, ये दोनों में स्क्वायर है ना, हमको दिख रहा है दोनों स्क्वायर, तो हम क्या ये लगा सकते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, थर्ड वाली आइडेंटिटी लग रही है ना,
क्या होती है थर्ड वाली आइडेंटिटी? क्या होती है थर्ड वाली आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यही यहाँ पे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हम इसको सॉल्व करते हैं, 12xy ए प्लस बी और सॉरी ए माइनस बी, ठीक है। अब ये सब क्या है? आपस में प्रोडक्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं? पूरे को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4xy 3x प्लस 4y, ठीक है। तो 3x प्लस 4y 3x, ये सभी आपस में क्या है? प्रोडक्ट है। तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, xy ये भी कैंसिल हो गया, 4 3 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3x माइनस 4y, दैट इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। और इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। इस तरीके से हमारा जो डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक है ये वाला कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग एरर, ठीक है। तो एरर कैसे हो जाती है? बच्चों से अक्सर इन सब चीज़ों में गलती हो जाती है। तो ये कैसे लिखते हैं? 3x माइनस 5, ठीक है। तो इसे कैसे लिख देते हैं? 3x माइनस 5। तो ये क्या करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। हमें क्या करना है? इससे इसका मल्टीप्लाई करना है और इससे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बी केयरफुल फॉर मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स तो किसी से भी हो जाती हैं, पर हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा करेक्ट और ये वाला हो गया रॉन्ग। कभी भी मल्टीप्लीकेशन होता है ब्रैकेट के बाहर तो क्या करते हैं? सभी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का किसी सिंगल टर्म से मल्टीप्लीकेशन करना हो तो सभी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक ये क्या हो जाती है? इसे क्या लिख देते हैं हम? 4x स्क्वायर। पर ये क्या 4x स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 4 का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आंसर? हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो ये वाला हमारा करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, जो कि कॉमन मिस्टेक हो जाती है। अब ये x प्लस 5 का स्क्वायर, तो कैसे लिखते हैं इसे? x स्क्वायर प्लस 25। इज इट करेक्ट? नो, इज नॉट करेक्ट। कैसे हो गई ये एक आइडेंटिटी बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × x। तो x² + 25 + 10x, ये हो गया हमारा करेक्ट वन। अब इसमें भी सेम ये आइडेंटिटी लग रही है, पर इसे क्या लिख देते हैं? x² - 9 लिख देते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं पर, और लगता है कि सही किया है, पर ये ऐसा है क्या? नहीं, ये एक आइडेंटिटी है, हमें पूरी का स्क्वायर करना है, सिर्फ x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। अगर हमारा ये टर्म जो है बीच का क्या है? पॉलिनोमियल है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें आइडेंटिटी लग रही है। अब इसमें इसमें सिंपल क्या फॉर्मूला लगेगा? x² + b² + -2 3 = 6x, ठीक है, 2ab, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा, तो ये है हमारा करेक्ट और ये वाला हो गया रॉन्ग। अब ये वाला जो है ऐसे में क्या मिस्टेक होती है? जनरली इसे लिख देते हैं क्या? ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा क्या? 3/3 तो कर दिया, पर ए से तो डिवाइड नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सभी से डिविजन होता है, तो 3/3 + 3/3, तो ये क्या होगा? 3/1, तो ये वाला करेक्ट होगा। अब इसमें क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? इसमें क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं? इसको लिख देते हैं a² - 15। इज इट करेक्ट? ए से ए का मल्टीप्लीकेशन कर दिया और डिजिट से डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लिया, पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता। पहला वाला जो भी टर्म्स है उससे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और सेकेंड वाले टर्म से भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या होगा ये? a² - 5a। ए से दोनों का हुआ, अब बीच में है प्लस साइन, तो हमने लिख लिया +3a, ठीक है। इससे इसका मल्टीप्लीकेशन, अब इससे इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा? -15। तो क्या होगा हमारा आंसर? a² - 2a - 15। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। पर दैट इज कॉमन मिस्टेक, जो कि हो जाती है, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी।